गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के बज चुके हैं 10:30 और यहाँ पर दूधी से इतनी गर्मी हो रखी थी जब लगा था जान ही चली जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल मौसम जो है वो पहले से बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। मैंने जो है वो नाश्ता कर लिया। सुबह मैं जब उठती हूँ तो 1 घंटे तक मैं अगर मुझे नाश्ता नहीं मिलता है खाने को, तब तो भाई मेरा बैटरी लो होने लगता है। तो मैंने नाश्ता कर लिया, मैंने कॉर्नफ्लेक्स खा लिया और अब जो है मैं नहाने जाने वाली थी, लेकिन उसके पहले मुझे याद आया कि गर्मी ने मेरे थोपड़े का क्या हाल बना रखा है। तो मैं अभी अपना कुछ अपने आप को कुछ थोड़ा पैम्पर कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने मास्क लगा लिया। मैं इन्हें बोल रही हूँ कि मेरा पील ऑफ जो है उसे निकाल दीजिए, क्योंकि ये इनको अच्छे से आता है, पर ये जना मुझे भाव ही नहीं दे रहे हैं। देखिए मैं बोल रही हूँ, ये मुझे भाव ही नहीं दे रहे हैं। वेट कर रही हूँ, मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। मैंने फेस पर लगा था, बस इशारा कर रही थी कि प्लीज़ मुझे ये हटाओ, ये मास्क हटाओ, मुझे मास्क हटाओ, पर ये भाव ही नहीं दे रहे थे। मैं एकदम फ्रस्ट्रेट हो गई थी। मैं इशारा कर रही थी लेकिन ये बोल रहे थे नहीं, मैं नहा के आता हूँ तब मैं निकालूंगा पील ऑफ। लेकिन मैं जो फ्रस्ट्रेट हो गई थी। फाइनली जनाब नहा के आए और जल्दी जल्दी इन्होंने मेरा पील ऑफ मास्क निकाला। भगवान का ढेर सारा शुक्रिया। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, मेरा एग्ज़ाम था आज, फिर एग्ज़ाम था, लगातार 3 दिन से एग्ज़ाम है और 30 तारीख तक एग्ज़ाम है। 2.5 घंटा पूरा लिखना पड़ता है, 1 मिनट भी नहीं मतलब रिलैक्स होती है। ओपन बुक एग्ज़ाम है लेकिन फिर भी हम लोग जो है लिखते ही रहते हैं। अब जा रही हूँ लंच करने के लिए, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैं और मेरी वाइफ मैंगोज का मजा ले रहे हैं। ललन टॉप भोजपुरी में कहते हैं। ची उठा, नहीं उठाओ। अब डिस्गस्टिंग कौन है? अगेन डीजे इन द हाउस। आज कौन सा गाना सुना रहे हैं? स्लोली ले देखे तुमको, एक पहले तो बीएडी सा ही मिलता है और दुनिया में कोई सिंगर नहीं है ना। हिमेश रेशमिया, गुरु रंधावा। अरे गुरु रंधावा तो स्लोली स्लोली तो गुरु रंधावा था ना। वो लगा बीएडी सा। और वो अरे वो जो गाना है बीएडी सा का जो, हाँ डीजे वाले बाबू का गाना, मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट है डीजे वाले बाबू। चल डीजे वाले बाबू गाना बजाते हैं। मोहतरमा, रात के खाने में क्या है, कुछ मसालेदार या कुछ प्लेन? देखो मसालेदार तो हमसे बोल ही पाएगा कि हमसे बनता नहीं। तुमसे क्या हो पाता है वही बता दो। पानी गरम, पानी गरम पानी पियोगे वही रात में खाएंगे। और जो तुम बोलो क्या खाने का मन है? तुम क्या खिला रही हो?
रोटी कच्चा पक्का उसके साथ दही दही हम रात में नहीं खाते हैं सुबह में नहीं खाते हैं दही खिलाना है तो मुझे लंच में खिलाओ वाह क्या रूल है सूर्योदय के समय दही खिलाओ सूर्यास्त के समय दही मत खिलाओ अरे दही को क्या पता कि अभी सूर्योदय है कि सूर्यास्त है मुझे पता है तो पेट को तो पता होना चाहिए ना मैं मॉर्निंग और डिनर में नहीं खाता हूँ कर्ड और मैं हमेशा खाती हूँ कर्ड इसलिए इम्यूनिटी का इशू है मेरा इम्यूनिटी का इशू है हाँ तुमसे जरा आई एम अ कॉम्प्लान गर्ल आई एम अ कॉम्प्लान गर्ल यू आर अ एलोपैथी गर्ल जल कुकड़े सब मेरे हर वीडियो में जल कुकड़े वर्ड यूज हो ही जाता है यहाँ पे तो मैंने यूज किया है इनके लिए कब तुम देखे हो हमको बीमार होते हुए कभी भी नहीं अब साल भर में आदमी एक तो बार बीमार नहीं पड़ेगा अब रोबोट थोड़ी है रोबोट को भी वो क्या बोलते हैं उसको जब गाड़ी में आ जाते हैं तो क्या उसको बोलते हैं सर्विसिंग सर्विसिंग का जरूरी होता है मटन खाओ चिकन खाओ अंडा खाओ मछली खाओ मतलब 365 दिन फ्राई खाओ फ्राई आई डोंट लाइक मटन मछली आई लाइक ओनली चिकन लेग पीस बेटी तुमको सब खाना पड़ेगा घंटा ये चैलेंज लगाते हैं मुझे कि मटन जो है वो खिलवा के रहेंगे पर मटन मुझे कोई नहीं खिलवा सकता कोई भी नहीं खिलवा सकता चिकन खिलाओ चिकन में लेग पीस खिलाओ मटन तो नहीं तो पर कुछ मेरा जो प्रीवियस वीडियो था प्रीवियस वीडियो कौन सा हाँ जर्नी वाला कार वाला जो इनके नाम से मैंने बनाया था उस पर मुझे भर भर के पॉजिटिव जो है वो कमेंट आए सबने अप्रिसिएट किया और इतनी मेहनत करने के बाद अगर कोई अप्रिसिएट करता है तो वो बहुत अच्छा लगता है नहीं तो सबको ढूंढते हैं मौका नेगेटिविटी फैलाने का लेकिन कुछ लोग जो है उन्होंने पॉजिटिव कमेंट किया जो मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए अभी मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ थैंक यू गाइज फॉर अप्रिसिएटिंग माई एफर्ट बहुत ज़्यादा गर्मी है आज दोपहर में मौसम लगा कि थोड़ा ठीक हो रहा है नॉर्मल हो रहा है लेकिन वापस से बहुत गर्मी हो गया है एकदम अजीब लग रहा है पंखा चल रही है 2400 घंटे लाइन है लेकिन फिर भी बहुत गर्मी लग रहा है और टाइम हो गया है 11:30 लेकिन अभी भी हम लोग सोए नहीं हैं अब जा रहे हैं हम लोग सोने के लिए जनाब अभी कूलर है पानी भरने के लिए गए हैं गुड नाइट गाइस अब हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे कुछ नई कहानी के साथ टिल देन बाय बाय मैन